हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ। इससे पहले वाले टॉपिक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ। तो बेसिकली जो गॉस लॉ है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके करस्पॉन्ड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक टूल है। और ये हम कूलम्स लॉ में भी, हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज है या आपके पास एक पर्टिकुलर लाइन चार्ज है, इसके कारण किसी फिक्स पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया है। तो गॉस लॉ, जो गॉस स्टेटमेंट है, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा कुछ चीजों समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो सपोज आपके पास कोई Q1 चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पर, सपोज R1 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सपोज उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दिस इज P1। और इसकी कैलकुलेशन हम रेजोनेंस फोर्स पर यूनिट चार्ज से करते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं कि सपोज आपके पास एक Q2 चार्ज इस पर्टिकुलर रीजन में, एक अनदर Q2 चार्ज है, और इसके कारण P पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, तो सेम है कूलम्स लॉ से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इन दो पॉइंट के कारण इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेसिकली E1 प्लस E2 द वेक्टोरियल सम ऑफ टू इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, Q1 के कारण E1 एंड Q2 के कारण E2। तो दो वेक्टर का जो एडिशन है वो बेसिकली हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, ये वो दोनों वेक्टर्स के बीच का ओरिएंटेशन के लिए बताओ, जैसे E1 सिंगल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे, तो उसके कारण इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सपोज E3 स्ट्रेट लाइन, तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेक्टोरियल सम ऑफ थ्री इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। तो इस केस में हमारे पास एक अनदर वेक्टर, जिसे सपोज E3, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिजल्टेंट है यदि हम वेक्टर एनालिसिस में देखें, तो इन दो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका फिर हम इसके साथ एडिशन देखते हैं। तो हमें फाइनली आपको E1 2 3 वेक्टर मिल जाएगा, जिसकी डायरेक्शन जो फाइनल जो रिजल्टेंट ये होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और साथ में मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर एनालिसिस से। बट इस केस में हमें जो रिजल्टेंट ऑफ E1 E2 है और E3 के बीच का ओरिएंटेशन भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। वेक्टर, दो वेक्टर किस प्रकार ओरिएंटेड हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उस पर डिपेंड करता है उनका रिजल्टेंट। बट फिर हम तीन वेक्टर को हार्ड होगा बट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि सपोज एक फोर्थ वेक्टर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्थ चार्ज जो है और ऐड जाता है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसे सपोज E4, देन रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E4। दैट इज, अब जो कैलकुलेशन है वो धीरे धीरे टफ होने से होगी, क्योंकि अब आपको थर्ड के साथ जो तीन का रिजल्ट है उनका ओरिएंटेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे करके यदि आपका एन नंबर ऑफ चार्जेज हो जाए Qn, तो दैट मीन्स ये मैथमेटिकली वेक्टर एनालिसिस है, ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें और टफ पड़ती जाएगी। इसके लिए जरूरी, क्योंकि यदि हम पर सेंटीमीटर क्यूब किसी मेटल का पीस लेते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेट पावर 22 या 21 आपके चार्ज फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, और इनके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मेजर करना है,
तो बेसिकली कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग हमें 20, 21, 22 हमें वेक्टर ऐड करने पड़ेंगे जो इम्पॉसिबल है। तो हम एक टेक्निक यूज करते हैं, तो हम इन सारे चार्ज को एक पर्टिकुलर एक सरफेस से इंक्लोज कर देते हैं, दैट मीन्स एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, क्योंकि एवरी क्लोज सरफेस क्रिएट ए वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं कि एवरी वॉल्यूम हैज ए क्लोज सरफेस। जब किसी सरफेस से क्लोज कर दिया मतलब किसी वॉल्यूम में रख लिया, और उस वॉल्यूम से हम फ्लक्स कैलकुलेट करें कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव जो है यदि ये पास हो रहा है, तो दिस फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, दैट मीन्स कैपिटल क्यू या टोटल इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री एंड सो ऑन क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज गॉस स्टेटमेंट। यही आपका गॉस स्टेटमेंट जो अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, बट यहां पर एक ओवरव्यू दे देंगे गॉस स्टेटमेंट का। अब हमें बेसिकली यदि हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करें, तो दिस फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज बाय दिस सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी है, टोटल चार्ज स्केलर है, तो अब हम जनरली स्केलर में वर्क कर रहे हैं, जो वेक्टर एनालिसिस से आसान होगा और वही हमको रिजल्ट मिल रहे हैं, और जो टोटल फ्लक्स है वो हम किसी क्लोज सरफेस की इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने फ्लक्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, एंड क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है तो उसको रिमाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन साइन में सर्किट ड्रॉ कर देते हैं, दैट मीन्स दिस इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, एंड दिस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ये बेसिकली एक थ्री डायमेंशन या किसी वॉल्यूम से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको डिफाइन करता है। तो अब हमारे पास मैथमेटिकली कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गई है, रफ व्यू है कूलॉम्स लॉ का, बट जो कूलॉम्स लॉ है ये एक स्पेशल केस है आपका, सॉरी गॉस लॉ, सॉरी सॉरी, तो गॉस लॉ बेसिकली एक स्पेशल केस है कूलॉम्स लॉ का, बट गॉस लॉ यूजफुल है पर ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है, दैट मीन्स देर आर सम लिमिटेशन। और लिमिटेशंस क्या है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और जो सेकंड है वो होमोजीनियस चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो सिमेट्रिक होना चाहिए, और जो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है उसमें जो चार्ज की जो डेंसिटी है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। तो इन दो लिमिटेशन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें लिमिटेशन ऑफ गॉस लॉ हम डिस्कस करेंगे और सिमेट्री हम डिस्कस करेंगे, बट ये ओवरव्यू है। तो दैट मीन्स यदि हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर दो लिमिटेशन के साथ, तो हमारी मैथमेटिकली कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, हम आसानी से नोन किसी भी चार्ज पार्टिकल का हम फील्ड आसानी से, या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि चार्ज पार्टिकल का कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है तो किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल को हम पोटेंशियल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द स्टेटमेंट, द गॉस स्टेटमेंट, बेसिकली द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ई, सो कैपिटल फाइव से मैं डिनोट कर रहा हूं, एंड ई इज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट मीन्स जो हमारा सिस्टम जो हमारा पूरा सिस्टम है वो किस मीडियम में, वैक्यूम मीडियम में, चार्ज किस चीज में, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज, द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस, एंड दिस इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल फाइव ई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन जो फ्लक्स है बेसिकली क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है, और जो टोटल चार्ज है वो जो क्लोज सरफेस ने क्लोज सरफेस ने इंक्लोज है उसके जो टोटल चार्ज इंक्लोज है वो बेसिकली क्यू टोटल है,
एंड दिस एप्सिलॉन नॉट। तो जो गॉस स्टेटमेंट है, एक चीज इसमें ध्यान रखने की, टोटली एक क्लोज सरफेस के लिए ही डिफाइंड है। यदि आपके पास ओपन सरफेस है तो आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, बट दो कंडीशन जो लिमिटेशन है जो हमने भी डिस्कस की, इफ जो चार्ज है, यदि चार्ज आपका जीरो हो जाए, दैट मीन्स सरफेस जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उस कारण जो फ्लक्स होगा वो बेसिकली जीरो होगा। दैट मीन्स आपके पास चार्ज क्यूबन क्या है, सरफेस क्लोज ही है, तो इस क्लोज सरफेस जो पास अंदर टोटल फ्लक्स है दिस इज इक्वल टू जीरो। ये बेसिकली स्टेटमेंट है गॉस लॉ, और इन दोनों को हम प्रूफ करेंगे इस वाले फिगर के थ्रू, द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। तो टोटल चार्ज इंक्लूड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लूड बाय दिस सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इफ टोटल चार्ज इज इक्वल टू जीरो देन द देयर इज नो फ्लक्स, वहां पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो हम देखते हैं डेरिवेशन के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यहां पर एक वॉल्यूम है जिसका ये सरफेस है, दिस इज क्लोज सरफेस। इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट जो है, जो फर्स्ट केस है, वो चार्ज जो है सरफेस, एक सिंगल चार्ज प्लस क्यू चार्ज मैंने लिया हुआ है, जिससे प्लस क्यू के कारण इसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड शो कर पा रहा हूं, जैसे ई डायरेक्शन है, सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। और जो सेकेंड केस है उसमें जो चार्ज क्यू है, प्लस क्यू है, वो बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो बेसिकली इस सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से आउट है। तो इन दोनों केस को हम डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, जहां पर प्लस चार्ज क्यू इनक्लोज है और इस प्लस चार्ज से आर डिस्टेंस पर बेसिकली इस रीजन पर फ्लक्स आउट फ्लो हो रहा है, इस रीजन पर फ्लक्स, इस पर्टिकुलर रीजन पर फ्लक्स इनफ्लो हो रहा है एंड इस रीजन पर फ्लक्स आउट फ्लो हो रहा है। सपोज इस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउट फ्लो है, सपोज यहां पर जो डिस्टेंस है आर वन डिस्टेंस पर जिस सरफेस से फ्लक्स आउटवर्ड हो रहा है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज ई वन है, आर वन डिस्टेंस पर ई वन है, एंड दिस पॉइंट आर टू डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर टू है, ई टू है, एंड दिस पॉइंट बेसिकली आर थ्री डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी आर थ्री है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली आर थ्री फील्ड है। इस पॉइंट पर हमें जब फ्लक्स को कंसिडर करें, यहाँ पर हमें यूनिट एक सरफेस एलिमेंट हमें कंसिडर करना पड़ेगा जिसे हमने डी एस से, और जो इसका सरफेस वेक्टर है इसे बेसिकली हम डी एस वन वेक्टर से डिफाइन कर रहे हैं। सपोज डी एस वन दिस इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट, स्मॉल सरफेस एलिमेंट, एंड डी एस वन इज द सरफेस वेक्टर। इस पोर्शन पर हमने स्मॉल डी एस टू कैलकुलेट एज्यूम किया है, और उसका जो सरफेस वेक्टर है वो बेसिकली डी एस टू है, और सेम इस केस में डी एस थ्री आपने सरफेस और सरफेस वेक्टर डी एस थ्री हमने एज्यूम किया हुआ है। और ये बेसिकली जो सरफेस वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इस केस में थीटा होगा, इसी में थीटा टू और इस केस में थीटा थ्री एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो पर्टिकुलरली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करें, तो सपोज हम फर्स्ट डी एस वन सरफेस इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज सपोज डी फाइव वन इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल सरफेस एलिमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू ई डॉट ई वन डॉट डी एस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लेक्चर में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक वैक्टर इन टू द सरफेस वैक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू ई वन डी एस वन कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वन एंड डी एस वन, एंड दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस वन कॉस थीटा अपॉन आर वन स्क्वायर, बिकॉज आर वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड दिस सरफेस, तो इंटेंसिटी बेसिकली वन पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और आर वन स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट
and this is equal to B omega 1. This term we define D omega 1. And this D omega is basically a three dimensional angle ke terms ko hum define karte hain. This is called the canonically solid angle. We jab solid angle ko clear kar rahe, so basically solid angle is equal to BS cos theta upon R square. That means we have to pass surface in three dimensional angle hai, this is two dimensional angle dekhte hain. Because line at this point par kitna angle draw kar rahe hain, this is called the theta and this is a two dimensional angle. बट कोई आपके पास सरफेस है वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कितना एंगल ड्रॉ करता है, दिस इज द थ्री डायमेंशन एंगल, दिस इज द डी ओमेगा एंड दिस इज सरफेस सपोज डीएस एंड दिस इज कॉल्ड डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या है, बेसिकली रेडियल डिस्टेंस है आर. बट यहां पर जो कॉस थीटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, सपोज इस पॉइंट पर ये एंगल डिफेंड कर रहा है, सपोज कोई अनदर पॉइंट देखा है, तो इसका जो जो बेसिकली पेरीफेरी होगा, तो पेरीफेरी के हर एक पॉइंट से हम जब इस पॉइंट को क्रिएट करते हैं तो जो एंगल बनता है उसको डी ओमेगा, तो यहां पर अनदर डी ओमेगा बनेगा आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट. तो दैट मीन्स दे आर नॉट सेम, दैट मीन्स चेंज है कुछ. तो चेंज क्या है, जो रेडियल वेक्टर है और जो सरफेस वेक्टर है उनके बीच का जो ओरिएंटेशन है वो भी डिफाइन करता है आप कितना इस पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल डिफाइन हो रहा है. तो जो रेडियल वेक्टर है इसको बेसिकली हम आर कैप डायरेक्शन आर कैप से दिखाते हैं, और जो डीएस वेक्टर जो आपका सरफेस है, इस सपोज रेडियल वेक्टर ये है, दिस इज आर कैप, और जो डीएस है सरफेस है, इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम जो वेक्टर डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं सरफेस वेक्टर, और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो हम इसके सरफेस के न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल लेते हैं, और जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर हम डिफाइन करते हैं. डीएस वेक्टर, तो बेसिकली ये डीएस डॉट आर कैप है अपॉन आर स्क्वायर एंड इज इक्वल टू डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द रेडियल वेक्टर के बीच का डिस्टेंस. तो ये बेसिकली सॉलिड एंगल है किसी ओपन सरफेस के लिए, और यदि हम किसी क्लोज सरफेस के लिए हम सॉलिड एंगल डिफाइन करें वो मेगा एंड दिस इज इक्वल टू इंक्लिनेशन डीएस एंड दिस इज इक्वल टू 4π. इसको टू 4π जैसे एक स्पेयर के केस में, तो स्पेयर के केस में यदि हम स्मॉल डीएस लें, तो स्पेयर के केस में जो स्मॉल डीएस है और जो रेडियल डायरेक्शन है बेसिकली सेम डायरेक्शन में डीएस वेक्टर सेम वेक्टर में, तो यहाँ डीएस डॉट आर आपका डीएस आएगा बिकॉज थीटा यहाँ इसमें जीरो है, तो कॉस थीटा थीटा जीरो है तो कॉस इक्वल टू जीरो. Then इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ डीएस अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन इंटीग्रेशन ऑफ डीएस अपॉन आर स्क्वायर, और दिस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इस डीएस का पूरे ऑल ओवर स्पेस में इंटीग्रेशन करोगे, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर दिस आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4π, दिस इज 4π. तो हम कहेंगे ये तो एक सरफेस, एक तो वॉल्यूम के लिए, एक सॉरी स्फीयर के लिए डिफाइंड है, बट जो सॉलिड एंगल है ये बेसिकली किसी भी सरफेस, ओपन सरफेस है तो किसी भी सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उसके एरिया पर डिपेंड होगा. वैसे कोई क्लोज सरफेस है वो आपका क्यूबिक है, आपका स्फीयर है, किसी भी शेप का हो, तो उसके जो टोटल सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा. तो दैट मीन्स एनी क्लोज सरफेस के लिए, कोई भी आपका क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो, उन सबके लिए जो टोटल जो सॉलिड एंगल आएगा दिस इक्वल टू 4π. तो ये चीज यूज होगी इस केस में. तो इस केस में जो स्मॉल एरिया है डीएस, वो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर कितना एंगल ड्रॉ करता है, मतलब इस सरफेस का जो फेरी फेरी है वो इस पॉइंट को एकदम कनेक्ट करे सारे फेरी फेरी के प्रत्येक पॉइंट्स को, तो जो सॉलिड एंगल बनेगा दिस इज डी ओमेगा 1, इसी तरह डीएस 1 भी होगा. ये चीज क्लियर हो गई, डी ओमेगा 1 इज ओनली डी एस वन कॉस थीटा अपॉन आर वन स्क्वायर, और ये रेडियल डिस्टेंस है आर वन. सिमिलरली हम डिफाइन करेंगे डी एस टू के कारण डी फाइव एंड दिस इज इक्वल टू ई टू डॉट डी एस टू एंड दिस इज माइनस साइन. यहां पर जो फ्लक्स होगा ये बेसिकली माइनस फ्लक्स होगा, जैसे हम वेक्टर को
यदि मैं कहूं कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है एक माइनस ए वेक्टर है, तो इससे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन यदि इधर को है तो माइनस ए वेक्टर की जस्ट उसके अपोजिट होगी। तो वेक्टर के केस में ये चीज़ तो डायरेक्शन हम जानिए माइनस और प्लस से डिफाइन कर लेते हैं। वैसे ही हम स्केलर के केस में, क्योंकि स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं है, बट इस केस में हम आउटफ्लो और इनफ्लो को हम डिफाइन करते हैं। जो फ्लक्स है बेसिकली आउटफ्लो और इनफ्लो होता है। जैसे सपोज जो वाटर टैंक है, उसमें जो इनलेट है उसके पर यूनिट जो क्रॉस सेक्शन है इनलेट का, उससे जितना फ्लक्स हो रहा है वो बेसिकली इनवर्ड फ्लक्स है, और जो आउटलेट है उससे जो भी फ्लक्स आपका पास हो रहा है, दिस इज द आउटवर्ड फ्लक्स। तो बेसिकली आउटवर्ड फ्लक्स को यदि हम पॉजिटिव से डिफाइन करें, ये टर्मिनोलॉजी है, तो उसके अपोजिट जो फ्लक्स होगा उसको हम नेगेटिव सेंस से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे माइग्रेशन है, पर्टिकुलर लोकेशन है, उस पर्टिकुलर लोकेशन में यदि पीपल्स जो हैं इस लोकेशन से आउटफ्लो हो रहे हैं, तो दैट मीन्स जो फ्लक्स है वो बेसिकली क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और यदि रिवर्स माइग्रेशन होता है तो पीपल्स जो है वो बेसिकली इस रीजन में कम बैक हो जाते हैं, वापिस आ रहे हैं। तो जो आउटपुट हम अब इसको प्लस माइग्रेशन और माइनस माइग्रेशन से भी मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं। यदि हम प्लस माइग्रेशन कहते हैं दैट मीन्स पीपल आर लिविंग दैट प्लेस, और यदि हम माइनस माइग्रेशन कहते हैं तो बेसिकली रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है कि जो पीपल्स हैं वो वापस अपने घरों में आ रहे हैं। तो मैथमेटिकली इस आउटफ्लो और इनफ्लो को दिखाने के लिए हम प्लस और माइनस साइन का यूज करते हैं। तो यदि हमने आउटफ्लो को प्लस शो किया है तो इनफ्लो को हम माइनस दिखाएंगे, क्योंकि इस पोर्शन पर जो फ्लक्स है वो इस सरफेस से वॉल्यूम के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, ये इनफ्लो हो रहा है, ये वॉल्यूम के अंदर इनफ्लो हो रहा है, यहां पर जो सरफेस को लीव कर रहा है और यहां बेसिकली पेनिट्रेशन हो रहा है। तो यहां पर हम बेसिकली माइनस साइन नोट करेंगे और इस कैलकुलेशन को सेम इसी फैशन में हम करते हैं। तो फाइनली हमारे पास टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा टू आ जाएगा। बेसिकली यहां पर जो एंगल ये इस एंगल में बना रहा है, इस सरफेस इस पॉइंट पर जो एंगल ड्रॉ कर रहा है। सिमिलरली डी एस थ्री को हम डिस्कस करें, इस केस में फ्लक्स अगर आउटफ्लो हो रहा है तो बेसिकली पॉजिटिव ई हम इसको शो करेंगे और इसको इसी तरह सॉल्व करें तो बेसिकली क्यू अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा थ्री हम इसको करके डिनोट करेंगे। इस पूरे सरफेस पी के कारण इस पूरे सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो बेसिकली आपका डी फाइव होगा। इन तीन शब्दों से जो टोटल फ्लक्स है वो कितना पास हो रहा है, तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम तीनों को ऐड अप कर देंगे, डी फाइव वन प्लस डी फाइव टू प्लस डी फाइव थ्री, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब में कॉमन है, डी ओमेगा वन प्लस डी ओमेगा टू प्लस डी ओमेगा थ्री, इस डी ओमेगा थ्री। सो देन डी फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज द डी ओमेगा वन एंड डी ओमेगा टू एंड डी ओमेगा थ्री, बेसिकली जीरो एरिया पॉइंट पर सेम कोनिकल एंगल ड्रॉ करना है। यदि हम ज्योमेट्रिकली भी देखें तो तीनों एरिया जो है सेम एंगल सेम पॉइंट पर सेम सॉलिड एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कोण के केस में ये कोण है, तो कोण का जो सरफेस है यहाँ पर कोई अलग सरफेस ड्रॉ करें, यहाँ पर कोई अलग सरफेस ड्रॉ करें, तो ये सारे के सारे सरफेस जो है वो सेम पॉइंट पर सेम एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। सरफेस एंगल तो डिफरेंस है, बट क्योंकि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो डी एस चेंज हो रहा है तो साथ में आर स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है, जिससे हम डी ओमेगा फिक्स हो जा रहा है। तो अलग अलग सरफेस के जो सॉलिड है वो सेम, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर एक कोन बन रहा है, इस कोन का एक बटोर सरफेस है बटोर सरफेस सरफेस है। अब सरफेस आप कैसे भी लें तो हमें पेरिफेरल पॉइंट से ही वो कनेक्ट करना है, तो दैट मीन्स डी ओमेगा वन इज इक्वल टू डी ओमेगा माइनस डी ओमेगा टू इज इक्वल टू डी ओमेगा प्लस अगेन डी ओमेगा, ये सारी वैल्यूज आपकी सेम सेम एंगल इसमें ड्रॉ कर रहा है।
तो बी फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा, ये आंसर एंड डी ओमेगा। इस चीज क्लियर होगी। वही जब टोटल फ्लक्स की बात करें फाइव, तो टोटल फ्लक्स किसके लिए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी फाइव एंड दिस इज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू q upon 4 pi epsilon naught integration of d omega। basically यहाँ पर जो सरफेस है वो आपका क्लोज सरफेस है, ये पूरे सरफेस को देखेंगे basically क्लोज सरफेस है, तो इस क्लोज सरफेस का जो इंटीग्रेशन होता है इसको कहते हैं क्लोज सरफेस एरिया, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। एंड phi is equal to q upon 4 pi epsilon naught एंड किसी क्लोज सरफेस के लिए तो टोटल सॉलिड एरिया होता है इसको टू फोर पाई जो हमने डिस्कस किया था एंड इसको टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस, गॉस का स्टेटमेंट है कि जो टोटल फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो उसमें जो टोटल चार्ज इनक्लोज है उसकी वैल्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो हमने यहां पर मैथमेटिकली भी जो गॉस स्टेटमेंट है उसको क्या करना ड्राइव कर दिया। जब सेकेंड केस देखें कि इस केस में इसमें हम कैलकुलेशन इसी बेस पर करेंगे, आपका जो चार्ज पार्टिकल ये इस वॉल्यूम से आउटसाइड में है तो बेसिकली ये चार रीजन से इंटरेक्ट हो रहा है, जो फ्लक्स है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो चार रीजन से इंटरेक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यदि हम एक यूनिट सरफेस एलिमेंट के लिए कंसीडर करें जिसको कहते हैं फ्लक्स, तो इस पॉइंट से ये इनवर्ड डायरेक्शन में ये पेनिट्रेट हो रहा है, ये बेसिकली लीव हो रही फ्लक्स सरफेस को या इस वॉल्यूम को छोड़ रहा है, फिर इस वॉल्यूम में इंटर हो रहा है और इस वॉल्यूम में फिर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में क्लियर हो रहा है। तो यदि हम डी फाइव वन के लिए हम निकालते सेम इक्वेशन में तो हमारे पास क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा वन है, यहाँ पर भी सपोज हम डी ओमेगा वन इसी द्वारा बना लिया सॉलिड एरिया मान लिया। सिमिलरली हम इस केस में इसके लिए निकाले तो सेम केस इसके लिए आएगा, इस केस में निकाले सेम केस इसके लिए आएगा, ऐसे कर दीजिए केस आते रहेंगे। सॉरी एक चीज है ये बेसिकली माइनस है तो ये बेसिकली फ्लक्स जो है इस केस में सपोज हम ऐड करते हैं तो इस केस में माइनस हो जाएगा, ये थोड़ा मिस हो गया ये ऑलरेडी माइनस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में जो बेसिकली फ्लक्स होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसमें माइनस होगा, इस केस में प्लस होगा, इस केस में फिर माइनस होगा, इस केस में प्लस होगा, तो बेसिकली जो माइनस प्लस है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ओमेगा जो ओमेगा है उसके टर्म्स में हमें मिल रहा है, यहाँ ओमेगा प्लस माइनस होता है। ओवरऑल हम कैलकुलेशन को देखेंगे, इसको दोबारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसी में देखेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जी फाइव इज इक्वल टू q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको डायरेक्ट कर देता हूं, माइनस डी ओमेगा वन फर्स्ट के कारण प्लस डी ओमेगा टू सेकेंड के कारण माइनस डी ओमेगा थ्री थर्ड के कारण प्लस डी ओमेगा फोर फोर्थ के कारण, और ये चारों के चारों जो है कोनिकल शेप में ये कोन फॉर्म हो रहा है, ये कोनिकल के क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आउटसाइड में कोई पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल है तो जो क्लोज सरफेस से आउटसाइड में पार्टिकल है तो क्लोज सरफेस में जो टोटल फ्लक्स होगा वो बेसिकली आपका जीरो फ्लक्स होगा। तो ये बेसिकली गॉस स्टेटमेंट है और इस गॉस स्टेटमेंट को थोड़ा हम एक्सटेंड करें तो हम फ्लक्स जानते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से, क्योंकि ये सारी जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये किसी क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन किया है, क्लोज सरफेस से जो हम फ्लक्स निकालते हैं ई ऑफ डी एस हम ज्यादा डिफाइन करते हैं। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द गॉस लॉ वेयर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड द गॉस लॉ
एंड द गॉस स्टेटमेंट बेसिकली फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज बाय दिस सरफेस अपॉन एप्सिलॉन। तो इसको हम रीड कर सकते हैं, तो ये बेसिकली जो इंप्लीकेशन है क्लोज सरफेस इंप्लीकेशन है। यदि इसको हम सिंपल ई डॉट डीएस लिखते हैं तो ये से डिफरेंट है, ये ओपन सरफेस इंप्लीकेशन है। और जो ओपन सरफेस इंप्लीकेशन है ये बेसिकली टू डायमेंशन स्पेस को डिफाइन करता है, और यदि हम क्लोज सरफेस इंप्लीकेशन यदि हम डिफाइन करें तो ये थ्री डायमेंशन स्पेस को डिफाइन करेगा, क्योंकि कोई भी क्लोज सरफेस है वो एक वॉल्यूम क्रिएट करता है। तो दिस इज द थ्री डायमेंशन इक्वेशन बेसिकली, एंड दिस इज द टू डायमेंशन फिगर। तो दिस इंटीग्रेशन है बेसिकली, इस साइन का एक इंपॉर्टेंस है गॉस लॉ में। यदि हम सिंपल दिस इज द गॉस लॉ लिख देते हैं केवल एक सर्किल के कारण दिस इज रॉन्ग, क्योंकि फिजिकल इंटरप्रिटेशन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। इसका फिजिकल रीजन ओपन सरफेस इंटीग्रेशन दैट मीन्स ए टू डायमेंशन, दिस इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन दैट मीन्स थ्री डायमेंशन। तो ये बेसिक था आपका गॉस लॉ का, कि गॉस लॉ का बेसिक स्टेटमेंट क्या है, उसका लॉ कैसे उसको हम गॉस लॉ को डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं द लिमिटेशन ऑफ गॉस लॉ एंड द सिमेट्री, जो बेसिकली उसमें जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने टाइप के हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को होते हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।